हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज ए लॉन्ग पीस ऑफ वायर विच इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ या इन द शेप ऑफ कॉइल। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट what is solenoid? Solenoid is a long piece of wire which is wound in the shape of a coil. तो जो solenoid ये जो term बना हुआ है, solen से मिलकर बना हुआ है। इसका पहला word है solen। solen का मतलब है, ये Greek words है solen, और solen का मतलब होता है pipe। तो हमको कोई भी एक solenoid है, मान लीजिए हमको ये solenoid दिया हुआ है, मतलब लॉन्ग वायर है जो कि लपेटा हुआ है एक क्वाइल के फॉर्म में, एक क्वाइल के फॉर्म में, दिस इज सॉलिड वायर। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड वायर। अब हेडिंग लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो बच्चों, इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के हमको अंदर की जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से पास करते हुए हम एक क्लोज लूप लेते हैं, जैसा एम्पियर सर्किट लॉ में हमने बताया। तो अब ये जो क्लोज लूप हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप में ले रहे हैं, ए बी सी डी इज द रेक्टेंगुलर क्लोज लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट पी इनसाइड द सॉलिडॉइड। इसको आप लिख सकते हैं, कंसीडर अभी सोलेनोइड है। सोलेनोइड का लेंथ सपोज मान लीजिए कि सोलेनोइड का लेंथ क्या है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। तो आप लिख लीजिए, कंसीडर ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड नंबर ऑफ टर्न कंसीडर ए सोलेनोइड solenoid of length small l, consider a solenoid having number of turns, consider a solenoid having number of turns per unit length small l। मान लीजिए कोई सोलेनोइड है, consider a solenoid having number of turns per unit length small l, and carrying current I, और इसमें current I flow कर रहा है। अब हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक क्लोज लूप लेते हैं, ए बी सी डी। इसी में आप लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ऑफ लेंथ स्मॉल एल। हम कोई क्लोज लूप ले लिए जिसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी इनसाइड द
सोलेनोइड इनसाइड द सोलेनोइड। आप इसको लिख लीजिए, इस पूरे स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके आप लिखिए, वीडियो पॉज करके आप लिखिए। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट स्मॉल पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है। तो इसमें ये जो रेक्टेंगुलर जो क्लोज लूप है उसके अंदर टोटल कितना करंट होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप लिख लीजिए, टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड बाय द क्लोज रेक्टेंगुलर लूप, क्लोज लूप कितने टर्म्स होंगे। देखो एक टर्म्स में कितने फेरे हैं, यूनिट टर्म्स में कितने यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है स्मॉल एल, तो कितने टर्न, कितना लेंथ है भाई एल, इतने टर्न्स हो गए, इतने फेरे हो गए। ये जो हमारा देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा लूप है, सपोज ये इसी में हम वायर लपेटे हुए हैं, यूनिट लेंथ में कितने कितना वायर्स है भाई, कितने फेरे हैं, कितने टर्न्स है स्मॉल एल, तो इस एल लेंथ में कितने कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू एल। और ये ध्यान रहे, जैसे हम हमारा ये पाइप है, मान लीजिए ये आप पाइप देख रहे हैं, ये आप पाइप देख रहे हैं, इसको रेक्टेंगुलर कॉइल मान सकते हैं, तो इसके इसके अंदर से ये जो वायर जा रहा है, इसके अंदर से जा रहा है, जो वायर लपेटा हुआ है, क्योंकि हमको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसके, ये इसके अंदर हमारा ये वायर है, ये भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा वायर है, ये भी इस ढंग से इसको लपेटा हुआ है, इस ढंग से इसको आप लपेटे हुए हैं। हम आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए ये वायर है ना, ये इस ढंग से हम इसको ऊपर लपेटे हुए हैं, ये ऐसे हम इसको लपेटे हुए हैं, इसके अंदर से, इसके अंदर से लपेटे हुए। तो हमारे कहने का मतलब ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लोज बाय द क्लोज लूप ये कितना हुआ, एन एल, और एक फेरा में एक टर्म्स में करंट कितना है, आई है, ये करंट देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ये आई इधर से फिर आके करंट आई, फिर ये करंट आई, फिर ये करंट आई, फिर ये करंट आई, इस ढंग से करंट इधर से आई जा रहा है, देखो ये घूम रहा है इधर से, ये आई ऐसे, फिर ये करंट आई ऐसे, फिर ये करंट इस ढंग से, करंट इस ढंग से, ये इस ढंग से करंट है। कोई एक डायरेक्शन आप शो करेंगे, दोनों डायरेक्शन शो करने में जब कोई दिक्कत हो रहा है तो करंट इस ढंग से फ्लो करते हुए बाहर निकल गए, कोई एक टर्न से आप करंट को आप दिखाइए एक साइड से, ज्यादा कंफ्यूजन ना होने पाए, ये है करंट, ऐसे करंट गया, फिर ऐसे करंट गया, फिर ऐसे करंट गया, तो इतने ये इसमें कितने फेरे हो रहे हैं, एन एल, और एक फेरे से कितना करंट है, आई करंट है, तो आप लिखेंगे टोटल करंट, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज रेक्टेंगुलर लूप, कितना करंट हो गया भाई, एक फेरा से आई, तो कितने फेरे हैं, एन एल आई, ये इतना करंट हो गया, दिस इज द करंट इनक्लोज बाय द क्लोज सर्कुलर लूप रेक्टेंगुलर लूप। उसके बाद नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर B, B और DL के बीच में कितना होगा, B और ये जो DL आप कह रहे हैं, DL क्या है,
डीएल ये जो क्लोज लूप बन रहा है, देखिए ये क्लोज लूप रेक्टेंगल ए बी, इस साइड ए बी से मिलकर के बना हुआ है बी डॉट डीएल और साइड बी सी, बी डॉट डीएल साइड सी डी, बी डॉट डीएल प्लस साइड डी ए, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसको आप नोट करिए। ये शायद नहीं दिखाई दे रहा है, कट रहा है वीडियो, ओके। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। ये क्लोज लूप के लिए हम ए बी के अलोंग बी डॉट डी एल, बी सी के अलोंग बी डॉट डी एल, सी डी के अलोंग बी डॉट डी एल, डी ए के अलोंग बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एन एल आई, ये हम लिखेंगे, इसको आप नोट करेंगे। अब देखिए बी और डीएल के बीच में एंगल आपको पढ़ाए हुए हैं, क्लोज सर्कुलर रिंग, क्लोज यदि हर एक टर्न एक सर्कुलर रिंग होगा, इसमें हर एक टर्न सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, ये एक्सिस के अलॉन्ग हुआ, तो जब एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो बी और मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ ए बी के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो ए बी के अलॉन्ग हम क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस जीरो, बी सी के अलॉन्ग बी डी एल कॉस 90, बी सी के अलॉन्ग, फिर डी ए के अलॉन्ग जीरो होगा क्योंकि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि नेट करेंट इनक्लोज उस पॉइंट पर जीरो है। क्यों नेट करंट जीरो है, क्योंकि जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा है, सर्कुलर लूप है ना, यदि करंट इधर से आई आया तो फिर नेक्स्ट से अपोजिट डायरेक्शन में आई, इसलिए यहां पर सी डी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीरो, फिर डी ए के अलॉन्ग डी ए 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग होगा और ये लेंथ क्या है उसके परपेंडिकुलर है, बी डी एल कॉस 90 और सब मिलके हो गया ये म्यू नॉट एन एल आई, तो दिस इंप्लाइज कॉस जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी बी डी एल ए जीरो ए जीरो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, म्यू नॉट एन एल आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी को बाहर ले लेंगे डी एल म्यू नॉट एन एल आई, ठीक है इसको नोट करिएगा। बी और डी डी एल कितना हो गया, डी एल लेंथ एल है, ये पूरा लेंथ का सम क्या होगा, एल होगा प्लस म्यू नॉट एन एल आई, देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये सेंटर पर है, सोलेनोइड के सेंटर पर है। दूसरा एट द एंड ऑफ द एंड ऑफ द सोलेनोइड, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड पर, म्यू नॉट एन आई बाई टू, वहां लॉन्ग कंडक्टर की वजह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड आप निकाले होंगे, तो आपको याद होगा म्यू नॉट टू पाई आई बाई एक्स था और एंड पर म्यू नॉट अपन फोर पाई, यानी सेंटर का ठीक आधा हो गया था आई बाई एक्स, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। नाउ नेक्स्ट टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ये टोरॉइड क्या होता है,
देखिए द एंड, यदि ये जो सोलेनोइड आप देख रहे हैं, यदि सोलेनोइड के दोनों टर्म को हम मिला दें तो उसी को हम बोलेंगे टोराइड। ये भी हम बोल सकते हैं द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोराइड। आप लिख सकते हैं द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोराइड, एंडलेस सोलेनोइड। देखिए ये मान लीजिए कि आपका दोनों एंड को हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, दोनों एंड को हम क्या कर दिए, सोलेनोइड के दोनों एंड को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ भाई, अब यहां पर ये है, उसमें तार लपेटा हुआ है, करंट इधर से इंटर कर रहा है, करंट इधर से इंटर कर रहा है, इंटर करते हुए बाहर आ रहा है, करंट यहां इंटर किया और इंटर करके बाहर आ गया। एक बार फिर हम इसको बना दे रहे हैं सोलेनोइड को, ये मान लीजिए कि हमारा दोनों सोलेनोइड के दोनों एंड को हमने ज्वाइन कर लिया, उसी का नाम क्या है टोराइड। इसमें करंट आई इंटर कर रहा है और करंट आई बाहर आ गया, जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही हमको करंट बाहर आ रहा है। हमको टोराइड के ये पॉइंट पी है, देखिए ये पॉइंट पी है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तीन पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। तो मान लीजिए पहले हमको इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करता हुआ एक आप क्लोज लूप लेते हैं, तो क्लोज लूप ले लिए, ये क्लोज हो गया, क्लोज लूप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से पास करता हुआ एक हम क्लोज सर्कुलर लूप लेते हैं। अब करंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई आर इंटू एन, इफ स्मॉल एन बी द, इफ स्मॉल एन, इफ स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन द टोटल नंबर ऑफ, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, देखिए ये टोटल लेंथ हो गया हमारा 2 पाई आर, और यूनिट लेंथ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो इतने लेंथ में कितने टर्न्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय एन। नाउ करंट इंक्लोज बाय द क्लोज पाथ, करंट इंक्लोज्ड बाय द क्लोज पाथ, कितना करंट इंक्लोज है भाई, आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे एक टर्म से आई करंट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 2 पाई आर के इनटू आई, ये हो गया, दिस इज द करंट इंक्लोज बाय द क्लोज पाथ। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कल लॉ, वीडियो कॉल करके अपलोड कर लीजिए, नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कल लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई की जगह पर 2 पाई आर एन इंटू आई, ये हो गया। अब देखो बच्चों, हमारा बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो,
बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो, तो बी डीएल कॉस जीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये जो टर्न्स हैं जो सर्कुलर टर्न्स ये सब बन रहे हैं उसके एक्सिस के अलोंग होगा और लेंथ भी वही है उसी डायरेक्शन में है, तो बी डीएल कॉस जीरो, तो म्यू नॉट इंटू टू पाई आर एन इंटू आई, तो दिस इंप्लाइज कॉस जीरो वन हो गया, बी को बाहर कर लीजिए, बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आर एन आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ डीएल कितना हो गया, डीएल ये टोटल टू पाई आर हो गया, तो बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू टू पाई आर एन आई, टू पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो टोराइड टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, ये इस पॉइंट पी पर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, दैट विल बी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो यहां पर आप यदि इनक्लोज करेंगे तो इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं इंक्लोज है केवल इससे, तो यहां पर करंट इंक्लोज आई जीरो हो गया, आई जीरो हो गया इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पर भी टोटल करंट कितना होगा इंक्लोज, टोटल करंट जीरो होगा, क्यों जीरो होगा भाई, देखिए यहां से यदि आप इसको देख रहे हैं ना, आई करंट इधर से आ रहा है तो उतना ही करंट फिर इधर चला जा रहा है, आई और आई ए आई दोनों जीरो हो गया, तो इससे कोई भी ये जो क्लोज लूप आप ले रहे हैं इससे कोई भी करंट थ्रेड करके बाहर नहीं आ रहा है, क्लोज लूप से के द्वारा जो एरिया है उसको थ्रेड करता हुआ करंट आना चाहिए, ये हमने पढ़ाया था एम्पियर सर्कुलर लॉ में, तो हमने आज बताया टोराइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो स्टार्टिंग में जब हेडिंग लिखे हुए थे तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, आप लिखे थे ब्रैकेट में, आप लिख लेंगे क्या सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके थैंक यू।